आपके अलंकार जो केवल हरियाणा ही नहीं पूरे देश में गूंज रहे हैं मेरे भाई राजभर जी, उनको मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं। और राजभर जी की आवाज में ताकत है, जब ये होते हैं तो बड़े बड़े बन जाते हैं, गलत तो नहीं मैं कह रहा। आप देखो राजभर जी की आवाज की ताकत है, बोलते हैं बड़े बड़े हिल जाते हैं, गुड़गांव जाके आवाज उठाई कि गुड़गांव में सफाई का क्या व्यवस्था है, गुड़गांव कचरा सिटी कैसे बन गई। तो आज पूरी हरियाणा की सरकार झुकी हुई है गुड़गांव में। तो हमने ये कहा कि कहां से 90 विधानसभाएं हैं हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के 31 विधायक थे और अलग अलग बात आई कहां से कराएं कहां से कराएं। लेकिन जहां सबसे मजबूत आवाज आई हमने कहा यहीं से कराएंगे राहुल जी की यात्रा की शुरुआत। हमेशा आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ते हैं, विधानसभा में भी हमने देख और सड़क से लेकर और सदन तक आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, आपके लोकप्रिय विधायक उनमें शामिल रहते हैं। 10 साल बीजेपी के हो गए, 10 साल हरियाणा को, आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो कौन है? बीजेपी जिम्मेदार है। हिसाब इनसे मांग रहे हैं कि 10 साल के बाद हरियाणा का भत्ता क्यों बैठाया आपने? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज कहां है? हरियाणा में 10 साल की बीजेपी के सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। हरियाणा की जो योजनाएं चल रही, 200 गज के प्लॉट की स्कीम, पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी कनेक्शन की स्कीम, वो सारी स्कीम खत्म करके पानी के बिल पकड़ा दिए गरीब आदमी के हाथ में, ऐसी ये सरकार साबित हुई। आज ऐसी सरकार साबित हुई, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा अपराध तो है ही। और पूरा सारे बीजेपी के सांसद लोकसभा देखी थी कि नहीं देखी थी? देखा गया लोकसभा, सारे भाजपा के सांसदों की आप कुर्बानी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा स्कूलों के आगे धरने हुए थी हमारी बेटियां, ओलंपिक में मेडल लेके उन जैसा वर्ग नहीं जिस वर्ग की अपमान इस सरकार ने ना किया हो। तो मैं पूछता हूं आपसे, तो ऐसी सरकार से हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? और जो हम हिसाब मांगते हैं तो इनके बड़े बड़े मंत्री आते हैं दिल्ली से और इनके बड़े बड़े नेता आते हैं दिल्ली से। पीछे चुंदे गृह मंत्री जी आए और उन्होंने महेंद्रगढ़ में कहा कि हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं, हुड्डा जी से हम हिसाब लेंगे। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे। दुष्यंत चौटाला की सरकार बना ली थी तो पिछली बार भी काम कर दिया था, इस बार दुष्यंत चौटाला का ही काम हो गया। तो आप देख रहे हो तो बीजेपी वालों, मैं आपको कहना चाहता हूं हिसाब आप हमसे मांग रहे हो तो हिसाब लो। लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने आपको किया था हाँ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे। सरकार भाई कांग्रेस पार्टी को आगे लेके आएंगे, पूरे हरियाणा को रेल की लाइन ले आएगा, उसका हम ख्याल रखेंगे। हम तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम चलेंगे, यहां से चलेंगे बड़ी शांति से, बड़े शांति से चलेंगे। चलने का वही हमारा अनुशासन होगा। भाई पहले तो ये बताओ कौन कौन आखिर तक चलेगा? देखते हैं आज मेवात के हमारे मेडर और देखो 16 आया हूं, 16 विधानसभा करके कई नौजवान साथी आखिर में देखो बीच में फोटो ही आखिर में खिंचवाएंगे जो आप सेल्फी फोटो। और आखिर में कई नौजवान साथी कहते हैं कि हम चल रहे थे साथ, उसका भी हमारे पास टेस्ट है, उसका टेस्ट है कौन चल रहा था कौन नहीं चल रहा था, जिसका कुर्ता सूखा होगा वो साथ नहीं चल रहा था। तो कई आदमी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो भागवती बैठे हैं वो दुकान में बैठे हैं और आखिर में जाकर तो देंगे सबसे पहले। कौन कौन चलेगा करना देख लेते हैं अनुशासन से। पहले आपको मीडिया के जो साथी जो है वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल।
वो पीछे हरियाणा मांगे हिसाब, वो पीछे पी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो हिसाब दो बीजेपी। बंदी है खांग अब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो।